बच्चों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगी, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल। किसी भी एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी एक्यूट एंगल जब आप लेते हो तो उस एक्यूट एंगल के लिए ये एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है। आपको जो है थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है ना। थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। कौन सा? कॉस स्क्वायर सिन से लेकर शुरू करते हैं। सिन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, एक आइडेंटिटी ये। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर फॉर ए ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे आप इस तरह से, आपको ये थ्री आइडेंटिटीज पढ़ना है, ठीक है। आप इस थ्री थ्री आइडेंटिटीज का यूज करके देखो, ये आइडेंटिटीज आपको एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल से ही मिला है। कैसे मिला है, हम आपको प्रूफ करके दिखलाते हैं कि ये आइडेंटिटी आपको राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे मिला है। एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कर लें, चाहे इस साइड से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक्यूट एंगल आपने ए कंसीडर किया, ठीक है। ए के लिए आपने कंसीडर किया एक्यूट, जहां पर लेट कहेंगे कि लेट ए बी सी बी एंड राइट ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। अब देखिए, इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स, बाई ए सी स्क्वायर, अगर दोनों साइड को आप ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो व्हाट विल यू गेट? आप देखिए, बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाई ए सी स्क्वायर, ये तो वन हो गया। ए बी, ए बी क्या है? इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? बी सी है। फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ये, दिस वन इज परपेंडिकुलर। एंड दिस वन इज बेस फॉर ए। तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन स्क्वायर। ये क्या प्रूव होके आया? कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। इसी तरह से आप फिर से इस इक्वेशन में एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, आपको सेकंड आ जाएगा। एक बार बी सी से करोगे तो थर्ड आ जाएगा। इस तरह से आप तीनों आइडेंटिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, आसानी से तीनों आइडेंटिटीज को आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल से ही इस एक्यूट एंगल के लिए ये आइडेंटिटीज का इक्वेशन आपको मिला है। तो यू हैव टू लर्न दिस थ्री आइडेंटिटीज फॉर सॉल्विंग 8.4 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। आपको ये लर्न करना होगा, एकदम मस्ट है इसको लर्न करना। अब इससे आप बहुत सारे इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, ओके आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको। सिमिलरली आप शो कर सकते हो ऑल द आइडेंटिटीज, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो ऑल द आइडेंटिटीज, वी कैन शो ऑल द आइडेंटिटीज। कैसे आपको करना है आइडेंटिटीज इक्वेशंस, बस एक बार कभी ए सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर देना है, फिर ए सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। इस तरह से आप तीनों आइडेंटिटीज को गेट कर सकते हो। अब इनका यूज करके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं इसको इरेज करती हूँ। ये थ्री आइडेंटिटीज क्या हैं? थ्री आइडेंटिटीज हैं, इसको मैं एक साइड में लिखती हूँ ताकि आपका आप इसका यूज कर सके। थ्री आइडेंटिटीज है, नंबर वन है, मैं इधर सम सॉल्व करूंगी और इधर आइडेंटिटीज को लिख के आपको दिखाती हूँ। पहला है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू वन। आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर a इज इक्वल टू वन माइनस cos स्क्वायर a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू वन माइनस sin स्क्वायर a। ये सभी का यूज बहुत ब्रिलियंटली आपको क्वेश्चंस बनाते समय करना होगा, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा। नंबर टू में हमने कहा कि वन प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। इसका ये जो है आपको sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं वन माइनस नहीं sec स्क्वायर a माइनस वन इक्वल्स टू tan स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना। अब थर्ड आइडेंटिटीज को लिखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। आप इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। ये सभी आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटीज जो मेन है उससे आपको सारे रिलेशंस फाइंड आउट हुए हैं। If you want to write down, then you can. मैं अब इनका यूज करके क्वेश्चन बनाऊंगी, पहले आप इसको राइट डाउन कर लें। ले जो आपको कहा गया है कि ए हमेशा सेकेंड केस में कहा गया है कि फॉर कहा गया ना कि फॉर ए
ए के लिए कंडीशन क्या डाला गया, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ कहा गया ए, इसमें ए ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो एक्यूट एंगल हो उसके लिए ही ये अप्लाई किया गया है सारे रेशियोज। देखो ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। पहले क्वेश्चन को समझ लो, जितना भी रेशियोज हैं, कॉस है, टैन है, सेक है, जितने भी रेशियोज हैं वो सारे को हमको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना। हम कैसे करेंगे? इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके करेंगे हम, जो पिछला हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसका, और अब ये आइडेंटिटी का हेल्प करके हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब देखिए, पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि कॉस और सिन का रिलेशन फर्स्ट में है, तो सिन स्क्वायर, आप देखिए सिन स्क्वायर सॉल्यूशन में आप जानते हैं यूजिंग आइडेंटिटी वन, वन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, है ना। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस, हमको किस टर्म में डालना है सबको, sin के टर्म में, 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी cos a इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये मेरा cos a एक आइडेंटिटी किस टर्म में आया, sin स्क्वायर के टर्म में आया। अब इसमें हम नेगेटिव टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्म का रूट जो है वो i के टर्म में आता है, जो अभी आपको नहीं जानना। तो ये हम इसको नेगेटिव टर्म को करते हैं और हम cos को किस टर्म में चेंज कर दिए, sin स्क्वायर a के टर्म में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। एक हमारा रेशियो मिल गया sin स्क्वायर के टर्म में, ओके। अब हम tan को लेते हैं, tan a इक्वल्स टू sin a बाई cos a। आप प्रीवियस जितना रेशियो है यू हैव टू लर्न इट, अगर आप इसको नहीं लर्न करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक का 8.4 चैप्टर्स यू कांट सॉल्व, नेवर यू कैन सॉल्व। इसलिए आप इसको लर्न करना होगा और बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। अब देखो sin तो sin के टर्म में है ही, हमको cos को भी sin के टर्म में लाना है, तो इसको 1 डाल दिए और लिखें 1 रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्या यूजिंग वन, यूजिंग इक्वेशन वन, अंडरस्टूड? यस मैम। सभी को, टैन को भी, सेक को भी, सभी को, कॉस को भी, हमको कहीं दूसरा टर्म नहीं दिखाना है, हमको हर हाल में सिन को दिखाना है। देखिए आप कॉस को सिन के टर्म में, कहीं यहाँ कॉस दिखा, टैन को भी, आप दोनों को क्या चीज के टर्म में कर दिए, सिन के टर्म में कर दिए, यहाँ भी कर दिए सिन के टर्म में और कॉस को भी बदल दिए सिन के टर्म में, कर दिए ना, कॉपी इट। Now,
वी हैव टू चेंज sec a इन टर्म ऑफ sin a. वी नो दैट sec a इक्वल्स टू 1 बाई cos a. क्योंकि आपने पढ़ा sec a इंटू cos a इक्वल्स टू 1, आपने पढ़ा ना sec a इंटू cos a इक्वल्स टू 1, तो sec a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई cos a. अब फिर cos का आपने पहला से यूज कर लो, 1 माइनस sin स्क्वायर a यूजिंग इक्वेशन 1. इन दिस वे यू कैन चेंज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin a. मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.